51 लाख रुपए का एक पर्दा, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है। पहले फेज में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए और उसके बाद दूसरे फेज में 51 लाख रुपए का पर्दा, 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊंगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। ये दिल्ली के जनता के पैसे, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टाइम्स नाउ, नव भारत का, कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। आज उसका एक पहलू, एक सच टाइम्स नाउ नव भारत के द्वारा दिल्ली और देश की जनता के सामने लाया गया है। ऑपरेशन शीश महल के लिए मैं टाइम्स नाउ नव भारत का धन्यवाद करता हूं और केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी अकेले में बैठ के सोचना कि क्या कहकर निकले थे और आज कहां आ गए हो। देश का सबसे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता या अपराधी भी इस प्रकार से जनता के पैसे नहीं उड़ाता जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों पर अय्याशी वाला जीवन जी रहा है।